नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएं, पहले यह वीडियो देख लेते हैं। और ये मैसेज जो आपने कब दिया था, कल आया तो इन पैसों का क्या करेंगे? 8 बजे हैं, आमद क्या करता है इस काम के लाने? 8 बजे हैं, आमद क्या करता है इस काम के लाने? देखिये, सवाल ये नहीं है कि इस औरत का पति बच्चे बनाने के अलावा और कौन कौन से काम करता है। सवाल ये भी नहीं है कि बच्चे 8 हैं या 16, वे कचरा बीनते हैं या किसी कठमुल्ला की गोदी में अल्लाह अल्लाह खेलते हैं। ऐसा जाहिलपन तो इस मदरसा कौम में हर कहीं देखा जा सकता है। इन तहमदबाजों के दो ही काम है, बच्चे पैदा करना और पिछवाड़ा सूरज की तरफ उठाकर अपने तहमंद दिखा देना। इसके अलावा इनके पास एक ही काम बचता है, भिखारियों की लाइन में सबसे आगे जाकर खड़े हो जाना, जहां अल्लाह में एक दे नेक दे के नारे लगते हैं। पर सवाल यह है कि जब पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी में 46% यानी करीब करीब 10 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हो, वहां फिर दोसाहसिक आवान अपने ही लोगों का उपहास उड़ा रही है। जब इन लोगों को सरकार के सारे की जरूरत है, उनको बच्चे पैदा करने पर ताने मारे जा रहे हैं। बच्चे तो अल्लाह की देन है, इनका प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। कम से कम पाकिस्तान में यह काम अनवरत जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस का एक बड़ा केंद्र पंजाब सूबा बन चुका है, जहां 2500 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पूरे पाकिस्तान में 6000 से ऊपर केस आ चुके हैं और 92 कठमुल्ले घास की रोटी छोड़कर निकल भागे हैं। पर फिरदौस आसिक के आसिक इमरान अभी भी लोगों को मदीने की रियासत और परमाणु बम के ख्वाब दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान का ये लोंडा पीएम अपनी जनता की पीठ पर कौन सा घी लगा रहा है। एक चीज मैं सिर्फ आज कहना चाहता हूं, हमारी बड़ी बदकिस्मती है ना, हम अब ये सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई मुश्किल नहीं था ये चीजें बनानी, लेकिन हमें ऐसी आदत पड़ी हुई है इंपोर्ट करने की सारी बाहर से चीजें, कि हमने कोई चीज यहां ज्यादातर जो इक्विपमेंट है सारी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। हमारे मुल्क के अंदर आराम से ये चीजें बन सकती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मुल्क एटम बॉम्ब बना सके उसके लिए तो आसान था ना, वेंटिलेटर बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन बदकिस्मती से हमने ये कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। देखिए, इसे कहते हैं बिना बांस के मुंह से बांसुरी की धुन निकालना। यानी एक तरफ बच्चों की पैदावार पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ परमाणु बम बनाने के उदाहरण देकर वेंटिलेटर बनाने के नुस्खे सुझाए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कुल 15,000 वेंटिलेटर हैं, मगर परमाणु बम 190 बताए जाते हैं। अगर ये परमाणु बम नहीं बनाए गए होते तो आज पाकिस्तान को न वेंटिलेटर के लिए तरसना पड़ता, न दुनिया के सामने भीख के लिए गिड़गिड़ा रहा होता। मगर ये मदरसे की दीवारों को जीप से चाटकर तशरीफ से पहुंचने वाली कौम है। अगर जिन्ना को गधों की नस्ल की पहचान से ज्यादा कुछ अकल होती तो पाकिस्तान इस हालत में नहीं होता। आज फिर से पाकिस्तानियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। यह हालत तब है जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब पर आ गया है। कर्ज की रकम बढ़कर $113 अरब हो गई है। इस महीने पाकिस्तान कर्जों का सूद नहीं चुका पाया है। बेरोजगारी दर 16% से बढ़कर 24.5% पर पहुंच चुकी है। महंगाई 18% पर पाकिस्तान को आंखें दिखा रही है। GDP के 2% पर जाने की आशंका से अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलने लगी है। अब ऐसे में निठल्ली जनता बच्चे पैदा करने के अलावा कौन सा काम कर सकती है? पर बावजूद इसके इमरान परमाणु बम का उदाहरण ऐसे दे रहे हैं जैसे मुल्ला की बांग पर जिन्ना मदरसे की छत पर उतर आया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की दान की पहल पर पीएम केयर्स में 6500 करोड़ रुपए आ गए। इमरान की अपील पर 150 करोड़ भी नहीं आए। इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। सारा पैसा तो इसी एटम बम बनाने में फूंक दिया गया। एक एटम बम पर 700 से 1500 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अब पाकिस्तान के पास एक ही विकल्प बचता है, एटम बम दिखाओ, कोरोना भगाओ। नहीं भागे तो मस्जिद में खड़े होकर बांग लगाओ, क्योंकि 5 वक्त की नमाज में कोरोना का इलाज होना हो, मदरसा पैदाइश का इलाज जरूर हो जाएगा। उसके बाद इस्तंजा के लिए पत्थर भी ढूंढे नहीं मिलेगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।